अनुशासन हमें नियम और कानून सिखाता है जो अंततः हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। सफलता का मतलब आजकल हम लोग से कितना समझते हैं, अच्छी नौकरी पा लेना, अच्छा बिजनेस कर लेना, ये सफलता है। ऐसा नहीं है, सफलता एक बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा, और जीवन के हर क्षेत्र में हमें क्या होना है, सफल होना है। या नियम कानून या अनुशासन हमें बेहतर ढंग से कौन सिखाता है, हम लोग सफल होने के लिए सिर्फ अपने ही सोचते हैं, तो अपना सोचते हैं ना, अपना सोचने में क्या जाता है, सिर्फ अपना विकास होता है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसका क्या, उसका कुछ नहीं होता है। बड़ा आदमी बन जाएंगे उससे, सिर्फ हम लोग बड़ा होंगे कि तुम लोग कुछ फायदा हो जाएगा उससे। उर्दू में एक बहुत अच्छा शेर है, सर ने सिखाया था, इख्तलाते रंगो भूसे बात बनती है, इख्तलाते रंगो भूसे बात बनती है, वरना हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या हो। रंग और खुशबू दोनों जब किसी फूल में मिलता है तो फूल की सुंदरता और बढ़ जाती है, वरना सेवक के फूल को कोई उठा के सुनता है क्या, रंग तो होता है वरना वो उतना सुंदर नहीं होता, क्योंकि खूबसूरती जो देखने की चीज़ नहीं होती उसमें विद्यमान गुण भी होना चाहिए। तो रंग और गुण ये दोनों ही होने से फूल का जीवन सफल होता है। हमारे जीवन में सिर्फ अपना विकास कर रही है, अपने समाज का विकास कर रही है, तुम्हारा विकास कर रही है, सबका विकास कर रही है। और विकास ये वाला विकास कब आएगा, जब हमारे अंदर अनुशासन के साथ साथ सेवा की भावना हो, सेवा की भावना होके रहे तो विकास का क्या करें, अपने लिए खूब जिए, खूब खाएं, सामने वाला भूखे मरे, तो सेवा नहीं है ना, सफलता नहीं है ना। ऐसी सफलता किसी काम की नहीं है, अच्छी सफलता के लिए प्रेम का वातावरण जरूरी है, प्रेम के लिए सहजन होना जरूरी है, सहजता के लिए सेवा जरूरी है। हमारे अंदर सेवा की भावना रहेगी तो आपस में प्रेम भी रहेगा, और प्रेम रहेगा तो विकास के साथ साथ आनंद भी रहेगा, और ये चीज़ बेहतर ढंग से हमें इसका और गाइड खूब बेहतर ढंग से सिखाता है। आभार भी है मुकेश सर जी का कि पूरे जिला में ये प्रत्येक विद्यालय में घूम घूम कर इन बाल सुमनों में सेवा की भावना के साथ साथ वो डिस्प्ले करते हैं, दिखता है। अभी तो आप लोग प्रथम सोपान में सामने दिख रहा है ना, उदाहरण दिख रहा है, अनुशासन के साथ साथ सेवा की प्रतिमूर्ति। ये सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी भला करने के लिए तैयार हुए हैं। आप लोग अभी क्या है, बीज में अंकुरण हुआ है, ये सेवा और अनुशासन के बीज का अंकुरण हुआ है, जो उम्मीद है कि एक दिन ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और संपूर्ण विश्व को शीतलता देगा, छाया देगा, सबका उपकार करेगा। धन्यवाद। Let's go!